खुल के भाई हवा भी आ गई और साथ साथ धूप भी आ गई, अब आए बाहर आई इस मैदान पर। जबरदस्त कहानी है ये, राज इतिहास के पन्ने खोल लीजिए आप। श्री गणेश टीम लगभग 5 मैच ये खेल चुके और 5 मैचों में, 5 मैचों में मैं तो जरूर कहूंगा कि 5 बार ये टॉस जीते, 4 बार ये टॉस जीते, 1 बार ये टॉस हारे और हर मैच में विन हो चुके। लेकिन दूसरे ओर से देखा जाए सबसे माहौल इस समय पर कड़क मुकाबला, शानदार जानदार मैचेस देखने को मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे राज चौकी इस वक्त हल्डोन से। गुड इवनिंग मिस्टर प्रशांत नाइक, नाइस टू सी यू इन केटला विद सुनील माने, एंड दिस इज द फाइनल ऑफ दिस एपीएल सीजन 4, एंड आई रिक्वेस्ट विराट चाणक्य, कैन यू प्लीज सेंड योर बैटिंग ऑर्डर। It's a humble request, Akhil. Can you hear my voice? Can you just join us in the commentary box, please, Akhil, the scorer. Also, welcome over here, Mr. Sunny and Deva, two business partners has been just arrived in Kitla. नमस्कार, तो स्वागत है सभी का। दो टीमें जो कि इस वक्त खेल रही, चाणक्य टीम और श्री गणेश टीम मैदान पर खेल चुके इस वक्त इस मैच के दरमियान फाइनल का मुकाबला। 7 ओवरों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कुछ जल्दी अपना चुके यहां से ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, जो कि इस वक्त कप्तान की अहम भूमिका पूरे प्रतियोगिता में। भाई क्या कप्तानी किस खिलाड़ी ने, सबस माहौल है, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। लेकिन खास रिक्वेस्ट सभी दर्शकों से, बीच बीच में आपकी आवाज हमें सुननी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले आपको दिखाए जा रहे। राम सर धन्यवाद, स्वागत सभी का। स्कोरर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ चुके हैं, चलिए आइए वापस इस खेल में लेकर चलते हैं मैदान पर। कड़क मुकाबला, मेगा फाइनल का मैच मैदान पर। तो चलिए किटला, जिस घड़ी का हम सबको था बेसब्री से इंतजार, वो फाइनल की घड़ी अब आ चुकी है, द मेगा फाइनल। सो प्लीज दोनों कप्तान, अंपायर जरा थोड़ी पल के लिए मैच रोकिए, दोनों कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए क्योंकि नामों के बारे में कुछ नहीं पता। सो प्लीज जब तक आएंगे नहीं अशोक राठौड़ सर, आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास जल्दी भेजिए। सम्मान्य सनी सर, देवा सर, आपका हार्दिक स्वागत, हमारे करीबी दोस्त है, काफी साल की जान पहचान उनसे हमारी है। 12 मैन की भूमिका कौन करेगा, आइए जल्दी, क्या हमारे पास समय है लेकिन फिलहाल मैच को रोकना पड़ रहा है के मुकाबला कराइए। रुकिए, अभी तक कोई नहीं पहुंचा, 12 मैन अभी तक नहीं पहुंचे। ओके अब पहुंच चुका है, ओके पहुंच चुका है। सामने से मैदान पर कौन रहेगा इस वक्त, खुद कप्तान है ये पूरे प्रतियोगिता में, एक कप्तानी पारी जिसने के लिए। ओके लेट्स प्ले, बढ़िया डिफेंस, बढ़िया डिफेंस। देखिए आगाज, पहली गेंद निकली डॉट मैदान के साथ, मैदान में शुरुआत होगी एक जबरदस्त माहौल के साथ इस शाम के समय पर। ढूंढो रे ढूंढो साजन, इस वक्त मैं कहूंगा बिल्कुल बड़ा मैच है ये। स्टेप आउट क्या, शपल क्या, शपल करने के बाद आदमी है ये कप्तान,
पूरे प्रतियोगिता में कप्तानी की अहम भूमिका इसने निभाई है। बहुत बार कह चुके दो ऐसे कप्तान है, साईश पाणी और अनिल, जिन्होंने अपने दम पर प्रतियोगिता में अपने आने की रहने की नोन भी किया, लेकिन यहां पर कौन रहेगा अंतिम घड़ी में, ये सवाल मैदान पर। ओ रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, वहां पर रन नहीं मिलेंगे। नवीर, नवीर की जितनी तारीफ हो रही उतने शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में नवीर के द्वारा एक मेडन ओवर डाला गया था, जिसके बलबूते वो मैच जीतने में श्री गणेश की टीम कामयाब हो गई थी। क्या बेहतरीन स्पेल था वो नवीर के द्वारा। देखिए तीन गेंदे लगातार डॉट हो चुकी है, थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर, फाइनल का मेगा मुकाबला है, और हमारे चीफ गेस्ट खास जो कि सुक्त, जो कि सम्मान्य, आई रिक्वेस्ट इस ऑर्गेनाइजिंग टीम टू गिव अ वार्म वेलकम टू द नन अदर देन द चीफ गेस्ट ऑफ दिस टुडेस मैच, मिस्टर रोहन खोड़े, the minister of the tourism. Request the warm up crews, please give him a warm welcome and give him a round of applause. Pehla run nikla jo ki is waqt maidan par, aur ek run ke sath shuruaat maidan par is waqt. Chanakya team is waqt maidan par toss haar chuke, pehle ballebazi kar rahi hai aur gendbazi kar rahi hai is team, is waqt Sai Ganesh maidan par, Sri Ganesh maidan par jo ki team maidan mein, अभी तक चार गेंदे एक रन मैदान पर, और स्ट्राइक पर, अब नॉन स्ट्राइक पर जाएगा, अब स्ट्राइक पर रहेगा मैदान पर प्रसाद, मैदान पर प्रसाद जो कि मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा, और कुछ पावर प्ले का हिसाब करते हुए इस मैदान पर कड़क है ये मुकाबला, बिल्कुल कड़क है ये मुकाबला, बिल्कुल कृष्णा जी फाइनल का मुकाबला, बड़ा प्रेशर है खिलाड़ियों के ऊपर। ओ बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, देखिए कुछ रिवर्स खेलने का प्रयास कर रही है, पता है कि यहां से, और मैं कहूंगा शुरुआत के दो ओवर में अगर साईश की टीम अगर विकेट निकाल पाती है तो मुकाबला जबरदस्त। सामान्य रोहन कोठे सर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान, और बिल्कुल धन्यवाद। यहां पर राज परवरी में हम लेकर हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, जहां पर हम भी गए थे कॉमेंट्री के लिए खासकर। ओ पैर पर लगी है शायद, देखिए अटेम्प्ट करना चाहते थे ऑफ स्टंप के, वहां से शॉट में जगह बनाने का प्रयास, एक जबरदस्त कहानी मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान में, और उसी उम्मीद पर यह दुनिया पूरी कायनात कायम है इस जबरदस्त कहानी, क्योंकि एक रन निकला पहला और लगभग समाप्त हो चुका है, एक और समाप्ति के बाद टीम का स्कोर शायद एक रन पर। क्या बेहतरीन ये मुकाबला, पहला ओवर पावर प्ले का ओवर और सिर्फ एक रन, कंजूसी भरी यहां पर गेंदबाजी नवीर के द्वारा, क्या बेहतरीन गेंद के साथ उनका आज फॉर्म रहा है, बिल्कुल एक बहारदार खेल, बिल्कुल अच्छा उम्मीद पर खेल, और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, बॉलिंग मोर्चे पर रहेंगे सामने से। आज आम लाडको मिनिस्टर बाप रोहन कवटे सर आज आम एपीएल घून आम एपीएल आज सभा वाड़ी आसा, हम ऑर्गनाइजिंग टीम तेज हंगसर जे जमले आसा तंका मंत्री बाबा रोहन कवटे सर वॉर्म वेलकम मोटनी ताली मार्ग स्वागत करते। बिल्कुल स्वागत सभी का इस वक्त इस मुकाबले में, बिल्कुल बढ़िया मैच मैदान पर, मेगा फाइनल, एक धमासान लड़ाई, दो बब्बर शेर डरेंगे ना, लड़ेंगे तो खून बहेगा। सीधे खिलाड़ी तक नहीं पहुंचे भाई, बच गए मैं कहूंगा आप, सर्कल के ठीक आसपास गेंद गुजरे, दो रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, लगभग खेल समाप्त हो चुका है सात गेंदों का इस मैदान पर। आज की गेंद तो ऐसा लग रहा है कि अनिल की फुल टॉस गेंद के साथ कुछ बन नहीं रही, क्योंकि लो फुल टॉस गेंद थी, चाहे तो उसे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ मार सकते थे, लेकिन स्लॉग स्वीप मारने का जो प्रयास था उसके लिए गेंद टॉप पर लगी, हवा में खड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल वही, अगर सीधे बल्ले के साथ अगर मिड विकेट की तरफ मारने को कोशिश करते तो शायद ये चौका भी बन सकता था, लेकिन एक रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात, सही सोचा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ से ये फाइनल का मेगा मुकाबला है, बिल्कुल दो टीमें लगातार हर एक टीम को समाप्त करने के बाद इस मैदान पर पहुंचे भाई, आखिरकार किस मैदान, इस मैदान पर कौन सा झंडा लगेगा, कौन सी टीम का लगेगा, इस सवाल मैदान में तसेच आमच्यामध्ये बस्तोडाचे सरपंच बाप रंजित उसगावकर आमच्यामध्ये आले असा, हा मागता सगळ्यांकडे की त्यांच्यानी ताळी मारून स्वागत करचे। सरजीत मान्यवर यहाँ पर बहुत से आ चुके, हर मान्यवरों को हम सभी का, राज हो सुजीत हो, हम सभी का भाई प्यार भर नमस्कार मैदान पर। ओ स्लो जो कि गेंद फुल टॉस स्वीप किया गया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, चार रन के लिए मैदान पर।
कृष्णा जी कुछ इसी तरीके की गेंद पहली गेंद अनिल के सामने थी, लेकिन इस बार प्रसाद ने दिखाया था कि उस शॉट गेंद पर कैसा शॉट लगना चाहिए था और उस शॉट के साथ चार रन प्रसाद के खाते में जुड़ते हुए। सुजीत बात सही है, अनिल ने स्वीप मारने का प्रयास किया और उन्होंने जो कि फुल टॉस की तो सिर्फ कलाइयों के साथ दिशाएं दिखाई, गति का इस्तेमाल किया, ये अहम है मैदान पर। और कुछ महिलाएं भी मैच का आनंद उठा रहे, तमाम महिलाओं को हम सभी का प्यार भरा नमस्कार इस मौके पर। साइश के घर से भाई उनके चाहने वाले आ चुके, बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। मुझे लग रहा है कि उनके माता जी भी है और उनकी जो की सब तो उनकी मिसेस भी है। भाई भारतीय टीम के जो कि खिलाड़ियों की जब महिला है तो मतलब उनकी घरवाली आती है तो हम बहुत कहते हैं, लेकिन आज साइश के घर से आ चुके। ओ बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बीट करते हुए, विकेट के पीछे भी थोड़ा सा लेकिन एक रन निकलेगा, बहुत ही बढ़िया वहां पर शॉट थर्डमैन के दिशा में, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन और स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर 7। सुजीत विकेट हाथों में, इसका मतलब है कि आने वाला समय ये सब कुछ बयां कर जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा क्रिकेट है ये इस स्तर पर, मान्यवर कक्षा जो कि है वहां पर सभी मान्यवरों का सलाम हमारा इस स्तर पर इस मुकाबले में। ओ रिवर्स सीधा हाथों में सर्वेश मैदान पर, एक आसान सा कैच, हवा में गेंद सीधे हाथ में, रिवर्स अटेम्प्ट जरूर किया था, उस गेंद को गैप नहीं मार सके और गैप जब आप खुले सीधा खिलाड़ी के हाथ में निकला। सर्वेश ने बात में भाई सर पर हाथ रखा, सर पर हाथ क्यों रखते ना, ये सवाल अभी तक मुझे कभी नहीं समझ में, शायद ये हाथ ही पर मुंह मनना लगी ऐसी बात हो गई। चलिए आपने बोल दिया सही बात है, ये रन वहां पर निकला, कप्तान की भूमिका थी, कप्तान का कैच छोड़ा वहां पर, सिंगल बनता हुआ। ओ इस पर हवा में खींच कर खेला उनको शॉट को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद निकले और 4 रन और 100 रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी, नाम है इस खिलाड़ी का जो कि प्रसाद मैदान पर 103 रन इस पूरे प्रतियोगिता। प्रसाद सर एक बार बल्ला दिखा सकते हैं आप, पूरे प्रतियोगिता में 100 रन जो कि ऊपर से बनाते हैं, ये दूसरा खिलाड़ी रेस में और दोनों ही खिलाड़ी एक ही टीम से, ये जानकारी जो कि अखिल पर दे रहे कि दोनों टी खिलाड़ी एक ही टीम से। अशोक राठौर सर्वाधिक टोटल उनका है अभी तक 105 में 45 रनों की एक विस्फोटक बैटिंग, एक बैटिंग 38 रन की। पर्पल कैप के पीछे जाके ये भी चल रहे, अब माफ कीजिए ऑरेंज कैप के पीछे ये भी चल रहे, जबकि 2 रन मात्र पीछे है, सिर्फ 2 रन का, चाहे 2 रन का फास्ता लेकिन टीम का स्कोर देखिए कितना बच चुका है, पहला ओवर का खेल 2 ओवर समाप्त हो चुका है और टीम लगभग प्रति ओवर 6 रन 12 पर पहुंचा मैच में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत है फाइनल के इस मुकाबले में, धीमी शुरुआत है लेकिन बढ़िया शुरुआत, 2 चौके निकले वहां पर प्रसाद के बल्ले से। अनिल जो कि एंकर का रोल सुबह से आधा यहां पर करते हुए, क्या बेहतरीन प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में अनिल के द्वारा। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रसाद जो कि 2 चौकों के साथ एक ऑरेंज कैप की रेस में 102 रनों पर खेलते हुए। वापस के मैदान पर साईश पाणी के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा दिया जाए, साईश पाणी पूरे प्रतियोगिता में एक ऑलराउंड की एक प्रमुख भूमिका, एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला और उनका लकी नंबर 4 जर्सी पहनकर इस वक्त मैदान पर। बिल्कुल पिछले मैच में देखा था कि 6ठे ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए और इस बार 3रा ओवर जो कि इसका मतलब किसी भी स्थान पर गेंदबाजी कर सकते हैं, इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी में। भाई इस खिलाड़ी में काबिलियत बहुत ज्यादा है, बढ़िया क्रिकेट, हल्का से खेल, शायद मौका, ये हो शायद, मैं कहूंगा साईश बैकअप नहीं था, ये बात बिल्कुल सही थी आपकी, लेकिन मैं कहूंगा अगर एक आप एडवांटेज लेते ना और निशाना लगाते कंचन से, सर जी आप नहीं खेले ऐसा लग रहा है। एक रन वहां पर निकलता हुआ और सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 13 रन पर, 103 रन बनाने वाला पूरे सीरीज में प्रसाद मैदान पर अभी तक स्ट्राइक पर डटा हुआ। भाई क्या मुकाबला है ये, कड़क मुकाबला, 2 दिग्गज टीमें आमने सामने, भाई कहते हैं ना कि दो शेर जब लड़ेंगे ना तो खून बहेगा, ये कुछ इस तरह से मुकाबला मैदान पर, बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर इस मैदान पर। पोजीशन बदली है शायद, कुछ पल पोजीशन बदली, मुझे लगा कि पल भर के लिए भाई वो मंकड़ विकेट के लिए शायद जा भी सकते थे, अगर लगाते तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मामला था उन्हीं का, बिल्कुल मौका था वहां पर, अनिल को एक चांस दिया है वहां पर। सब ये थे अश्विन ने बटलर को किस तरह से जो कि रन आउट किया उसके बाद वो मैच हारे, बटलर पूरे फुल टच में था उस वक्त, बिल्कुल एकदम गुस्से में निकला वहां पर बटलर मैदान से बाहर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बीट करते डॉट गेंद प्रेशर। देखिए साईश पाणी के बारे में बहुत बार कहते हैं इनके पास प्रतिभा है, इनके पास
एक एक अच्छा खेल है, ये ऑलराउंडर है, ये जब भी मैदान पर खेलना फिनिशर का अदा किया रोल उन्होंने, हर मैच में अपना काम किया। और मैं कहूंगा आज भी इस मैच में ये ट्रॉफी उनके घर तक जाएगी अगर ये बल्ले एक शानदार गेंदबाजी करते तो। ओ फिर से लाइन अच्छी, फिर से लाइन अच्छी, डॉट गेंदे लगातार ये प्रेशर बना रही है, दो गेंदे लगातार टॉट। हमारे साथ अखिल परब जो के मैन फ्रॉम थीम से हमारे साथ जुड़ जाए, सोच सही। यहां पर देखिए पावर प्ले समाप्त होने के बाद फील्ड फैल चुके, उसके बाद का ये नजारा है मैदान पर। शॉट ऑन पल किया, पल सक्सेस फुल मैदान में, छह रन के लिए मैदान पर। आठ रन इस ओवर से निकल चुके हैं, लगभग टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन पर, तीन ओवर खेल समाप्त हो चुका है 20 रन पर, सब विकेट अभी भी हाथों में। लेकिन मेरे को पॉइंट पर जो कैच छोड़ा गया वो कैच कितना अहम था मैदान में। अभी भी टीम में अशोक राठौड़ है, वन मैन आर्मी, जिसने अपने बलबूते पर पूरी प्रतियोगिता में अपना नाम दबदबा कायम रखा। उस वक्त से लग रहा जब बॉल आउट का मैच होना जो कि राज, वहां पर आखिरी गेंद पर बॉल आउट, देखिए आखिरी मौका था, वहां पर हिट उड़ा स्टंप बोल्ड किया, उसके बाद अशोक राठौड़ ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं भाई, हर वक्त तीन लगातार शायद मैन ऑफ द मैच का दावेदार बना और एक हैट्रिक जिनके। गेंदबाजी पर योगेश दाबाई, तीन बार मैन ऑफ द मैच इनको भी मिल चुका है, 72 रन इस पूरे प्रतियोगिता में और तीन सफलताएं। आज आमच्या मध्ये भानुदास मावळंकर रंगा येला असा, हाव मागता भानुदास मावळंकराकडे की त्याने मातशी रोवन आपली बसका घेऊची आणि सगळ्यांकडे मागता की त्यांचे ताळ्याने स्वागत करचे। योगेश दाभाळे जो कि पिछले मैच में क्वालिफायर के मुकाबले में जब गेंदबाजी के लिए आए थे तब चार रन डिफेंड कर रहे थे और चार रन डिफेंड करते हुए सीधा फाइनल में प्रवेश करती हुई उनकी टीम, इसका मतलब गेम चेंजर जैसी नंबर 44 उनका लकी नंबर भाई। लकी नंबर तो है, इनके मालक का भी वही जैसे नंबर है, लेकिन साइज 54 हर गेम में देखा जा। ओके ओके रेडी, ओ फ्लिक किया ऑन साइड पर, कलयों का शानदार इस्तेमाल, गेंद निकले स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकल चुका, लेकिन जब तक वापसी होगी एक रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा हुआ जबकि 22 रन पर। वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने चश्मा पहनने की बात क्रिकेट को छोड़ा है तो मेरे अंदाज से, और वो मुल्तान का सुल्तान से कहा जाता है। मान्यवरों का स्वागत, सभी मान्यवरों का प्यार भर नमस्कार, हम अपने शब्दों के साथ उनका स्वागत जरूर करेंगे। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम गेंद और पहला रन बहुत तेज निकल चुका, कॉल अच्छा है, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी है, लो फुल टॉस था शायद बल्ले पर, छक्का था मैदान पर और यहां पर नो बॉल का इशारा मैदान में। थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जा चुका है इस वक्त इस मैच में। कृष्णा जी आप क्या कहेंगे, इस टूर्नामेंट में पहली बार अल्दोना में या कहे कि पहली बार गोवा में थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय जाता हुआ। और बिल्कुल एलईडी बल्ब भी है, मतलब बत्ती भी जलेगी आउट और नॉट आउट की, ग्रीन और शायद रेड बत्ती, और ये काम सब कुछ साइज पाणी और उसकी पूरी टीम का है, क्रेडिट साइज पाणी को देना पड़ेगा, उसकी पूरी टीम को देना पड़ेगा। हेलो नो बॉल का इशारा, मतलब फ्री हिट का मौका मैदान पर, हाथ से गेंद छूट गई है। गौरव सावंत जो कि इस वक्त ये थर्ड मैन की थर्ड अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं क्योंकि ये कि वापस खेल मैदान पर, फ्री हिट का मौका मैदान पर रहेगा। शॉट ऑन पल किया, प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनने वाला खिलाड़ी मात्र मैदान में प्रसाद, जो कि 6 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 31 मैदान पर।
काफी शॉर्ट पिच गेंद डाली सुजीत, इतनी शॉर्ट डाली ना कि आराम से खाना खाने के बाद, आप मुंह धोने के बाद, चाय पीने के बाद भी मार सकते थे, इतना समय था बल्लेबाज के पास। एक 111 रन इस पूरे प्रतियोगिता में बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी है ये इस वक्त। अब शायद तो लग रहा है कि जिस अंदाज में अशोक राठौर की हम बात कर रहे हैं, अशोक राठौर दो कदम पीछे जा चुके भाई, दो कदम पीछे जाने के बाद शेर शेर होता है, शिकार करना वो कभी नहीं भूलता। जबरदस्त माहौल है ये, बिल्कुल बड़ा मैच है ये, कड़क मुकाबला है ये। 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर। प्रसाद जो कि इस तो स्ट्राइक पर रहेंगे, जो कि अनिल रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, प्रसाद वलवईकर जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैच में। 111 रन पूरे प्रतियोगिता में बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी जो कि ऑरेंज कैप का दावेदार मैदान पर। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, बल्ले पर लगी फिर या फिर पैड पर लगी है, दोनों कुछ हो गया, रन वहां पर नहीं मिलेंगे। सुजीत अच्छा मैच है ये, शायद विकेट चाहिए मेरे अंदर से। ऑर्गेनाइजर कमिटी को पूरा श्रेय देना पड़ेगा क्योंकि इतना जिस अंदाज में ये कुछ काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। देवीदास देवीदास नाडेकर, राजेश सर, हेलो, किशोर सर, नीलेश और साईश, इस पूरी टीम को और उनके सभी साथीदारों को जो कि एक रन वहां पर बनता हुआ और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 32 पर। ओ सीधा शॉट कारपेट के सारे खेलेगा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकल चुका, सिंगल के साथ टीम पहुंची अब मात्र 33 पर। एक बेहतरीन ओवर जो घटा विराट चाणक्य की टीम के लिए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। रन ऑन द स्कोरबोर्ड, एक बड़ा ओवर निकला जो कि विराट चाणक्य के टीम के लिए। अब शायद यहां से बॉलिंग चेंज होगी, लेकिन बॉलिंग चेंज होने के साथ साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस वक्त राज बांदोडकर। राज सर स्वागत है आपका, इंग्लिश में आप बुलंद आवाज सुनिए राज सर से। थैंक यू कृष्णा देव जी, थर्टी थ्री रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ नान अनिल गोस्वामी द कैप्टन ऑफ दिस विराट चाणक्य। Oh, dancing down a track, wait for that bye signal. That's been given wide there from umpire. Amai. Another extra run will add to that total. 34 runs on the board with that. And boy, here we have. Oh, shot down there. The fielder will cut off captain Saish. In comes the throw, self one. And what a performance from this champion, isn't he? Sujit, this champion Prasad, isn't he? Prasad Walwaker. Prasad Walwaker is the leading run scorer of this APL season 4. He left behind that Ashok Rathod. You can see Ashok Rathod dying to come out in the middle. The form is in. Unstoppable Rathod. He'll be fine with that delivery there. Good delivery from the bowler. Diptesh the bowler. Playing as under 23 in the side for the Sri Ganesh. This is a APL season 4 here in Kitla. Another dot delivery, pressure jumping up on the batting side. Another dot delivery. You can see राज क्या बेहतरीन टूर्नामेंट अब तक घटा है इस युवा खिलाड़ी के लिए दीप्तेश साळगांवकर, जो कि अब तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में, अपने आप से बहुत ही खुश होंगे क्योंकि क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उनके द्वारा देखने को मिली इस पूरे टूर्नामेंट में। अंडर 23 इमर्जिंग प्लेयर के भी दावेदार हो सकते हैं।
single chip down the ground there. He'll take the single run there. Captain will take the strike. Anil Goswami. And you can see the minister from all the way from Porvari constituency, Mr. Rohan Kode, is enjoying this tournament. Live from Ketla. And you can see this all this live action on the YouTube. Goa tennis in. Oh, shot down the ground. There's a Sahish who will cut off. He's taking the first run very fast. That has been taken easy second run. Without two runs, the score moves to 38 runs on the board. And you can see our Sarpanch of Aldona, Pranesh Naik, and the former Sarpanch of Aldona, Subhash Rawat, Sagar Maulikar, Ranjit Uzgaonkar, the Sarpanch of Ugasai, Bastara, sorry. And back live over here. Oh, swing and a miss there. Presser jumping up on his Virat Chanakya. Dot, dot. क्या बेहतरीन गेंद, आखिर की गेंद थोड़ी सी हल्की सी उंगलियां फेरी गेंद के ऊपर और गति से छकाया यहां पर अनिल को और डॉट गेंद के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का समझना स्कोर जो कि बढ़ता हुआ 38 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड। अंपायर्स कैन जस्ट गिव द डिसीजन इज अ रिटायर्ड राज क्या कहेंगे आप यहाँ पर कि ऑरेंज कैप होल्डर यहाँ पर रिटायर्ड होकर अशोक राठौड़ को अंदर बुलाया गया yes, अशोक राठौड़ वाज डाइंग टू कम आउट इन द मिडल इजंट इट द फॉर्म वे द ही इज हिटिंग फॉर दिस विराट चाणक्य इज अनस्टॉपेबल दिस चैंपियन अशोक राठौड़ स्कोर मूव्स टू This will be very interesting. Rafford, the man on strike. A dangerous campaigner in this Virat Chanakya side. What an inning he has been played in that match. 45 not out. 6-6 is in his inning. Raj, jitne ghatak yahan par Ashok Balle ke saath dikhe, utne ghatak Naveer apne gend ke saath dikhe. To ye bahut hi badhiya contest hoga dono ke beech. Oh, swing and a miss there. Swing and a miss. लगता है आज के दिन की सबसे तेज गेंद है नवीर के द्वारा एनी बॉलर मेड एन ओवर इन दिस एपीएल सीजन फॉर टुडे फॉर द श्री गणेश एंड दे हैव अ सुजीत आई विल टेल यू वन थिंग दे हैव सम क्वालिटी बॉलर्स इन द साइड इजंट इट श्री गणेश बिल्कुल बिल्कुल ओह नदर यॉर्क डिलीवरी देयर द फील्डर विल कट ऑफ राठौड़ ऑफ द मार्क विद दैट सिंगल क्या बढ़िया यहां पर गेंदबाजी नवीर मान गए जी आपको क्योंकि क्या बेहतरीन गेंदबाजी इससे पहले तो गेंद में उतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखी लेकिन जैसे अशोक राठौड़ यहां पर बल्लेबाजी के लिए आए गति थोड़ी सी बढ़ गई नवीर के द्वारा ओह डांसिंग डाउन द ट्रैक अनदर सिंगल विल एंटर द टोटल राठौड़ विल टेक द स्ट्राइक एवरीबॉडी इज वॉचिंग दिस चैंपियन राठौड़ इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनर He's unstoppable once he goes after the bowlers. This is Ashok Raffer. Yes, the Naveen. हालांकि अशोक राठौड़ अब सबको बता दे कि थोड़े से इंजर्ड है लेकिन इंजर्ड होने के बाद भी क्या बेहतरीन बल्ले के साथ प्रदर्शन जैसे कि हमारे कृष्णा देव जी कहते हैं कि घायल शेर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अशोक राठौड़ के बल्ले से Oh, shot didn't connect. There's a chance of a catch. Yogesh down there. And that's been put in the way. Fumble there by fielder. Well try at the end. That's been put away for boundary. So another four runs will add to the total. 44 runs with that boundary. इसी की बात मैं कर रहा था कि घायल शेर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है उसी तरीके की यहां पर बल्लेबाजी अशोक राठौड़ के बल्ले से देखने को मिलती हुई नवीर जिन्होंने अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है लेकिन इस बार इस गेंद पर चौका लगता हुआ अशोक बहुत ही बढ़िया लय में इस पूरे प्रतियोगिता में ओह सेंसिबल बॉल बाय द बॉलर
delivered in capital level down there. राज जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर अशोक राठौड़ जूझते हुए अपने उस इंजरी के साथ। Oh, that's went into the fence for six. That's Ashok Rathod special for you. That went into the fence for six. Have a look at the replay on the YouTube. What a clean hitting from this champion, Ashok Rathod. 50 runs with that six for the Virat Chanakya. And he's a top run scorer of this competition. 116 runs. He left the Prasad behind with that six. And you can see he's struggling out in middle, Sujit. You can see. Raj, kuch pal pehle ye orange cap Prasad ke paas tha. Ek chakke ke saath phir se us purple, maaf kijiye, us orange cap ko apni taraf kar liya Ashok Rathod ne. Aur ek baat aur aapko bata de ki jo purple cap hota hai wicket, highest wicket taker, wo cap bhi abhi tak Ashok Rathod ke paas. Iska matlab ek all round performance ab tak is ballebaaz ke dwara. Yes, I think he's struggling out there in middle with that cramp. We've seen in that previous match, Ashok Rathod was struggling there. New bowler has been. Oh, shot down the track. There's no need to run for that. That went into the gap for four. What a shot from this Anil there. Raj, देखिए कितनी काबिलियत रहती है यहाँ पर। जैसे ही शॉट खेला भागने की कोशिश भी नहीं की, जानते थे कि जैसे बल्ले से गेंद लगी चौके के लिए जाएगी। तेज गोली की रफ्तार से गेंद दो फील्डरों के बीच में से निकल गई चौके के लिए, कवर बाउंड्री की दिशा में। टीम का सम्मानजनक स्कोर जो कि पहुंचता हुआ 54 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। Fine cut. Excellent cricket from the captain over here. Two back-to-back boundaries. 58 runs with that boundary. This is a class entertaining inning he's been playing over here. That's a captain knock he's playing in this big final match here in Kitla. Raj, जो पहली गेंद पर चौका निकला ना कवर बाउंड्री में, वो ताकत के साथ लगाया था, और इस बार थोड़ी सी नजाकत, थर्डमैन की दिशा में सिर्फ दिशा दी गेंद को और गेंद गोली की रफ्तार से चली गई। क्या खूबसूरत, क्या यहाँ पर कैप्टन नॉक अनिल के बल्ले से देखने को मिलता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। एक तरफ से अशोक और दूसरी तरफ से अनिल, दोनों तरफ से हल्ला बोल दिया है वहां पर बल्लेबाजों ने। We have to wait and see what total they'll finishing this year. Four deliveries remaining of this Virat Chanakya's inning. Keeper is standing up. It's a final here in this APL season four. And I request the organizing team, our MLA of Aldana Constituency, Mr. Carlos Ferreira, has been arrived. I request organizing team, please give him a warm welcome. Carlos Ferreira has been arrived. The MLA of Aldana Constituency, I request Devidas and his boys, please give him a warm welcome. Raj, दूसरी बार इस टूर्नामेंट में देखा गया कि अनिल जो कि अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए अशोक राठौड़ के लिए, पहली बार जब क्वार्टर फाइनल पहला खेला गया था, माफी जो क्वालिफायर पहला, उस समय अपना विकेट वहां पर सैक्रिफाइस किया था, और अब इस फाइनल के मुकाबले में कि जानते हैं कि अशोक राठौड़ अगर बल्लेबाजी के लिए आ जाए तो दो तीन छक्के लगाकर आसानी से इस मैच का रुख पूरी तरीके से बदल सकते हैं। न्यू बैट्समैन वॉक इन द क्रीज है सुनील। इंटरेस्टिंग टू सी दैट राठौड़ ऑन स्ट्राइक। Three deliveries remaining. Dangerous Rafford on strike, and boy, here we go. Oh, he's scared. That's been wide delivery there. Another extra run will add to that total.
हालांकि ऐसी गेंदें छोड़ते नहीं है अशोक राठौर, लेकिन इस बार जाने दे क्योंकि एक अतिरिक्त गेंद उनके खाते में, इसका मतलब टीम का सम्मानजनक स्कोर जो कि धीरे धीरे बढ़ता होगा। 59 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, अभी भी तीन गेंदे, आखिरी तीन गेंदे जो कि अभी भी बाकी, देखते हैं कि इन तीन गेंदों में क्या होता है। राठौर ऑन स्ट्राइक, 59 रन ऑन द बोर्ड, प्लीज गिव हिम अ वार्म वेलकम टू दिस कार्लोस फेरेरा, एमएलए ऑफ अल्दोना कॉन्स्टिट्यूएंसी। Please give him a round of applause to these gentlemen, this Sir Carlos Ferreira. Another out there. Sunil is walking back to the pavilion there. राज यहाँ पर खराब फील्डिंग का प्रदर्शन है, अगर थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होता तो शायद अशोक राठौर जो कि अपने पैरों के साथ जूझ रहे थे वो एक रन कंप्लीट करने के लिए, शायद वो रन आउट हो जाते, लेकिन खराब थ्रो, लेकिन कोई बात नहीं, एक विकेट यहाँ पर। ऑल्सो मिस्टर फ्रेडी फर्नांडिस, two deliveries remaining, 60 runs on the board. Oh, swing and a miss. He's not interesting to take that. Change the striker, Ashok Raffer. Will he finish? The question will be, will Ashok Raffer finish things off in a style over here for the Virat Chanakya? 60 runs on the board. Last delivery of their first inning. राज फर्स्ट टाइम गिरीश जो कि पहले गेंदबाजी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके की गेंदबाजी, अंडर 23 इमर्जिंग प्लेयर, पहले दीप्तेश और अब गिरीश जो कि बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। यस, वी हैव टू वेट एंड सी दिस फाइनल डिलीवरी। ओ अशोक राठौर, यस, दैट इज अ क्लास फॉर द चैंपियन, ही फिनिश थिंग्स इन स्टाइल फॉर हिज विराट चाणक्या, 66 रन्स ऑन द बोर्ड। What a shot from Raphael. So 67 runs the target for his Sri Ganesh in his big final match over here, APL season 4. Back to you, Devidas. Thank you. As I'm Jamadi, I'm the Aldanto MLA, Advocate Carlos Alvarez Pereira, sir. I'm Jamadi Asa. I'm Akta Sagaya. ऑडियन्स सगळे तसे आमच्या हंगासर जमलेल्या प्लेयर तसे आमच्या ओनरांकडे की त्यांचे टाळ्यांनी स्वागत करचे, तसेच आमच्या मधी आमचं डेप्युटी सरपंच ऑफ नॅशनल पंचायत सर फ्रेडी फर्नांडिस आमच्या मधी असा, मग तर सगळ्यांनी त्यांचे टाळी मारून स्वागत करचे। नमस्कार सभी का स्वागत मैदान पर, इस समय पर एक बेहतरीन क्रुशियल मुकाबला दो दिग्गज टीमें मैदान पर लड़ती हुई, और हम तो जाएंगे भाई साईश पायणी के पास क्योंकि इस तरह से उन्होंने बॉलिंग की मोर्चा संभाला, लगभग राज रिकॉर्ड है, इतिहास है, इतिहास बनते तोड़ने के लिए तो, लेकिन आज मैं कहूँगा भाई लगभग छः मैचेस खेल चुके, पाँच में चार मैचों में ये टॉस हार चुके, एक मैच टॉस में जीत चुके लगभग, वो मुकाबला फिर उन्होंने बॉलिंग ही की मैदान पर पहले, हर मैच में उन्हें चेसिंग किया और ये भी मैच वो चेस ही करेंगे, चेसिंग में ये फिलहाल तो बिल्कुल मैं कहूँगा ये मास्टर है क्योंकि अभी तक एक खूबसूरत जिन्होंने बॉलिंग की बैटिंग देखने को मिली, और इस इन क्रुशियल मौके पर क्या कर पाएंगे ये सवाल मैदान पर, उसी सवाल का जवाब है 67-2 मैदान में, जबरदस्त माहौल है, ये बिल्कुल बड़ा मुकाबला, ऊंचे स्तर का खेल, बिल्कुल रजवाड़ों का, चाहने वालों की तौबा कर दी, और एक जबरदस्त माहौल है ये, बिल्कुल अच्छा माहौल, tenniscricket.in के माध्यम से आपको ये मुकाबला दिखाया जा रहा है YouTube के माध्यम से, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वहां के आप उनके साथ हर मुकाबला देख सकते हैं। श्री गणेश टीम इस वक्त मैं कहूंगा भाई बहुत बड़ा खेल है ये मैदान में, लेकिन सही से अनिल का जो पॉइंट पर कैच छोड़ा गया उस कैच के बाद का ये मुकाबला है मैदान पर, कृष्णा जी 7 ओवरों का मुकाबला और जीतने के लिए बनाने 67 रन, क्या साईश पालनी का अहम रोल रहेगा इस चेज में,
पूरे प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो साईश पांडे ने फिनिशर का काम किया, लेकिन उससे मैं एक बात और कहूंगा कि सिर्फ साईश का नहीं, आने वाले हर उस खिलाड़ी का अहम रोल रहेगा मैदान पर। देखिए ये प्रतियोगिता है, अंतिम मुकाबला हल्डोना प्रीमियर लीग का 2022 का पड़ाव, और कुछ अलग अलग अंदाज से ये करते हैं। इस साल तीसरे अंपायर का भी जिन्हें चयन किया गया, तीन अंपायर रखे गए, तीसरे अंपायर की सुविधा भी जो कि चल रही है, एलईडी बल है जो कि आउट और नॉट आउट की बल है, मतलब बहुत कुछ करते हैं, हर साल करते हैं ये। बिल्कुल हर साल कुछ अलग इस टूर्नामेंट में देखने को मिलता है, एक एक अलग अलग टेक्नोलॉजी जो इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल होती है। इस बार ये जो थर्ड एम्पायर का जो टेक्नोलॉजी साईश और उसकी टीम लेकर आए, ये पहली बार शायद गोवा में हुआ है। एक जबरदस्त माहौल जो कि 44 नंबर जर्सी पहनकर जो कि ऑन स्ट्राइक पर रहेगा, जो कि योगेश मेहता पर, और स्ट्राइक पर उसके साथ जो कि जुड़ा रहेगा देवेश मैदान पर, तो दाबा वापस खेल मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया मुकाबला, देवा सर आपका स्वागत इस फाइनल के इस मैच में। ओके हम पर रेडी हम, क्योंकि सिर्फ स्वागत में कमी कुछ रही थी देवा सर की, देवा सर शब्दों के साथ ये भाई फूल नहीं देंगे लेकिन दिल से दुआएं देंगे। आप आया लेकिन फिलहाल बढ़िया क्रिकेट हल्के आज से इनको गली पर मोड़ा का कलयों का शान। सुजीत तो देखिए आप शुरुआत किस अंजाम से करते हैं, और शुरुआत के बाद जो आखिरी जो पड़ा होता है ना वो अंजाम अंजाम में किस तरह से पहुंचता है, ये सबसे अहम है इस खेल में। बिल्कुल कृष्णा जी, उस सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज योगेश था वो एक सिंगल के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर, यही योगेश है जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी है। जब टीम को जरूरत थी तब अपने बल्ले से गेंद के साथ ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है इस योगेश ने। तो भाई अनहोनी होनी हो गई, देखिए क्या वहां पर एफर्ट, क्या वहां पर एकदम से गेंद ने उछाल प्राप्त कर लिया, गेंद लगी मुझे लगा कि डंडे पर लगी गेंद, हवा में निकली, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी अनिल की, एक हाथ से कैच लपका, सिर्फ नहीं मैं कैच करूंगा, ये कैच नहीं है, ये मैच विनिंग कैच भी हो सकता है। लगता है कृष्णा जी हमारी नजर लगी वहां पर, हमारी आंखें ही काली, हमारी नजर कहां पर लगी, लेकिन ये क्रिकेट है, ये शहजादे पल भर में फकीर बन जाते हैं और फकीर शहजादे, ये खेल है मैदान पर। बिल्कुल पहली गेंद योगेश और फाइनल का बड़ा मुकाबला, और खेलना नहीं चाहते थे वो शॉट, डिफेंसिव शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया और डंडे से जाकर टकराई गेंद और सीधा अनिल ने फॉलो थ्रू में एक बढ़िया कैच पकड़ा और वापस भेजा वहां पर योगेश दाबा लेकर। काफी नाराज लग रहे, नाराज लग रहे योगेश, योगेश नाराजी आपकी सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि भाई क्रिकेट में शहजादे फकीर बन जाते और फकीर शहजादे, ये कहावत है सिद्धू पाजी की। देखिए लगातार दो दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, हम बिल्कुल नया खिलाड़ी जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा, जैसे 28 मिनट नवीर मैदान पर, गेंदबाजी खूबसूरत की पहले मैच में, शायद बैटिंग भी उतनी तगड़ी देखने को मिली इनकी, शॉट टेम्पल किया, लेग स्लिप के बगल से निकली गेंद हवा में, उस गेंद को रोकने का प्रयास हो रहा है, पहला रन बहुत तेज निकलेगा। देखिए पल भर के लेकर तो कैच छोड़ा गया मैदान पर, कैचेस लो मैचेस लो मैदान पर, अनिल का पहले कैच छोड़ा अपने पॉइंट पर, उसके बाद अनिल ने एक अच्छी बैटिंग की, दो चौवे लगाए, खासकर अगर बात बताऊं तो एक सिंगल डबल एक सिर्फ एंकर का रोल जो कि अखिल पर हमें बता रहे हैं वो निभाया, इक्का दुक्का बनाते चले गए, सेट खिलाड़ी को वापस भेजा गया लेकिन अनिल खुद वहां पर तैयार है, इसका कारण क्या, इसका कारण है कि वो इक्का दुक्का बनाते जाएंगे मैदान पर। सर ये कैच कितना महंगा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, भाई समय के पिटारे में क्या छुपा है ना सुजीत, ये कोई नहीं बता सकता भाई, कोई नहीं, समय कब आपके साथ जाएगा और कब आपके विरुद्ध ये कोई नहीं बता सकता। शॉट टेम्पल किया, पुल सक्सेसफुल, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के लगभग बाहर बाहर करीब रोकी जा चुकी है, लेकिन मैं कहूंगा भाई फील्डिंग के एफर्ट दूंगा, तीन वहां पर रन भी मिलेंगे, क्या बेहतरीन वहां पर फील्डिंग सोहम के द्वारा, सोहम जो कि चीते की रफ्तार से दौड़े उस एरिया में, सबसे लंबी बाउंड्री उस एरिया में, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर फील्डिंग के द्वारा,
लेकिन सुनने को ऐसा है कि आप सोहन आपका करीबी दोस्त है, चीते के माफी गुण का जो कि हमेशा अंदाज रहता है, बेशेर भूखा है और सोहम सामने खड़ा हो, दोनों में रेस लगे थे, सोहम तकरीबन आगे जाएगा, ये ऐसा कुछ चाहने वाले उनके कहते हैं। देखिए क्या फुर्तीले खिलाड़ी, बहुत तेज निकले, बाउंड लाइन के लगभग एक इंच बिल्कुल करीब गेंद को रोका है, उसके बाद वो फील्डिंग मैदान पर बिल्कुल एक रन वहां पर अपनी टीम ने बचाया। अगर एक रन से जीते तो शायद सोहम का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, गेंद निकली है, डॉट, टीम का स्कोर अभी तक वहीं पर खड़ा, जबकि टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 4 रन पर मैदान में। लगभग कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, 9 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे। मैं कहूंगा कोई जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं, 9 रन मतलब आपको ऑफ साइड गेंद या ऑफ साइड पर पॉइंट पर कट मार सकते हैं, आप गली पर मिड विकेट स्क्वायर लेग खेल सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम करना है, समय जो कि बिताना पड़ेगा। और अगर उसमें एक आध ओवर एक 15 रनों का अगर एक ओवर आ गया तो शायद वो कार्य और थोड़ा आसान हो जाएगा। इस बार बढ़िया टाइमिंग है ये, कैच फिर देवेश जो कि इस वक्त मास्टर का एंड पर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेकिन ये कैच छोड़ा निखिल शर्मा के हाथ से, वो कैच छूटा, टीम का स्कोर मात्र है 5 रन पर, 4 रन पर स्कोर है ये। देखिए क्या जो हवा में पूरा शरीर झोंका, हवा में गोता लगाया, गोता मतलब भाई छलांग लगाई एक हाथ से, राज अगर ये कैच बन पाता ना तो मैं तो भाई इतना कहूंगा कैच ऑफ द मैच। फाइनल का मुकाबला देवेश पोली नॉस्टेक एंड पर अभी तक दैनात है। इस पूरे एरिया में इस खिलाड़ी का बोलबाला, इस खिलाड़ी का दमखम चलता है, लेकिन मैं कहूंगा भाई दमखम और बोलबाला ये फर्क आज बता चलेगा। भाई शेर कहते सिद्धू भाई इतना जंगल में मोर नाचा भाई किसने देखा, आज जो नाचेगा मैदान पर ना वो मोर होगा। ओ बाहर है गेंद, व्हाइट का इशारा, किरण जो की एक सीनियर खिलाड़ी है उनके हाथ से थोड़ी सी गलती हो चुकी है, लेकिन किरण ने सुबह एक बेहतरीन कैच लपका, 6 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, ये निकलेगी सीमा रेखा पर और आप नहीं रोक सकते शायद, मुझे लग रहा है 4 रन के लिए मैदान पर। इस शॉट की सख्त तलाश थी, आवश्यकता थी मेरे अंदर से, बिल्कुल कुछ इसी तरीके का शॉट प्रसाद के बल्ले से देखने को मिला था, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी फुल टॉस गेंद उसको सिर्फ दिशा दी और चौके में कर दिया उस गेंद को तब्दील। टीम का सामान्य स्कोर जो कि बढ़ता हुआ 10 रन के ऊपर, रन रेट ठीक ठाक है, रन रेट ठीक ठाक है, रन रेट की बात करो देव सर 10 रन 9 रन आपको प्रति ओवर बनाने, राज 10 रन बन चुके, अब क्या करना पड़ेगा आपको भाई, ये सवाल सबसे अहम है, जबकि खराब गेंदों का जो कि इंतजार करिए आप, 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर, अच्छी गेंदों को मान सवाल। देखिए अनिल को देखिए, अनिल युवा खिलाड़ी इक्का दुक्का ये बनाते जा रहे थे, बीच में 2 चौके लगाए उन्हें और कैच छूटने के बाद वो बहुत खूंखार रहे थे, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई क्रिकेट है ये मुकाबला, चाहने वालों की उत्कंठा वो तौबा कर दी मैदान में। ओह तेज शॉट मिड ऑन पर निकला, पहला रन बहुत अशोक राठौड़ जो कि आ चुके हैं निकी शर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर। यूट्यूब के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर जिक्र करूंगा अनंत मांद्रेकर का, अनंत मांद्रेकर ये मैच देख रहे हैं और अनंत मांद्रेकर आपका स्वागत इस तहे दिल से इस हल्डोना प्रीमियम लीग में 2022 पर। खर्रेम का एक बेहतरीन खिलाड़ी वो यूट्यूब के माध्यम से, मतलब यूट्यूब पर ये मुकाबले देख रहे हैं घर पर बैठकर, भाई ये सब कुछ किया साइश पॉइंट उसकी पूरी टीम ने, घर पर बैठे भाई आराम से बैठे सुरक्षित रहिए। और फिर से ऑन साइड पर मारने का पास का बल्ले पर उतनी ठोसने लगे, चलिए सिंगल निकलता हुआ, सिंगल एक आवश्यक खेल है। देखिए आपको हर ओवर में कितने 8-9 रन बनाने और 9 रन बनाने तो इसका मतलब इक्का दुक्का भरते जाइए, टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 12। देखिए फर्क इतना है, 2 ओवर में उनके 12 थे, उनके लगभग 8 गेंदों पर 12 है, फर्क यह है, इतना फर्क एक है कि एक विकेट निकल जाए यह भी फर्क है, लेकिन मैं कहूंगा और नरू खड़ी भी यहां पर क्वेट से मैच को देख रहे हैं मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर ऑफ टू जा, तो जी देखिए रन रेट ठीक ठाक है, क्या करना पड़ेगा, क्या किस स्थिति में बैटिंग करनी पड़ेगी या किस स्थिति में बॉलिंग करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इक्के दुक्के के साथ स्ट्राइक को कीजिए रोटेट, जो खराब गेंद होगी उसके ऊपर हवा बोल दीजिए और एक ओवर जो आएगा एक बड़ा ओवर बिल्कुल आएगा इस मैच में, उस ओवर में मैच बदल जाएगा, तो इंतजार कीजिए गलत गेंद का खराब गेंद का। देखिए बहुत खूबसूरत बॉलिंग है, बहुत खूबसूरत शुरुआत के पहले ओवर में आपने 10 रन बनाए, उसके बाद पावर प्ले का शुरू चल रहा है, यहां पर मिनिमम मैं कहूंगा 8-7-8 रन बननी चाहिए मैदान पर। बिल्कुल सर बननी चाहिए, बननी चाहिए और जरूर बनेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बैटिंग आनी बाकी है,
इसके बाद साईश जो कि टीम के खुद कप्तान है शायद बल्लेबाजी के मोर्चे पर उतरेंगे। और रिवर्स की अटेम्प्ट, थर्ड मैन बाउंड्री पार, गेंद चार रन के लिए मैदान पर। सर मैं इसी की बात कर रहा था कि एक आठ खराब गेंद। तो मैं कहूंगा वर्ल्ड के किसी भी गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात की आपने, काफी मजा रहेगा, लुफ्त रहेगा, बिल्कुल बातचीत हो रही मैदान पर। देखिए अब दर्शकों मतलब पानी लेकर कौन जा रहा है, एक अनुभवी खिलाड़ी, नाम क्या इनका, सुशांत सर। ये देखिए हाथ उन्हें खुद ऊपर कर दिया, सुन रहे ना, ये ऐसा बोल रही है इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए सर। लेकिन इस बार अशोक राठौड़ जो कि आपके सबसे फेवरेट बल्लेबाज, सबसे फेवरेट खिलाड़ी मैदान के ऊपर गेंद के साथ। बिल्कुल धन्यवाद अशोक राठौड़ की, बात सभी को पता है पुलिस दल में कार्यरत है, साईश पायणी भी है, लेकिन दोनों ही भाई रावड़ी राठौड़ के सारा बल्लेबाजी करते हैं, एक लेफ्ट हैंडर है एक राइट हैंडर है, लेकिन खेलने का अंदाज दोनों का एक ही है। शॉर्ट टर्म पुल क्या शायद नजरे कहीं पर थी, निशाना कहीं पर गया। सम्मानीय सरपंच ऑफ नासनोला सामान्य तृप्ति बांदोडकर यांचं आगमन होतंय, आम्ही त्यांना विनंती करतोय मॅडम आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे, शब्द समाधानी आम्ही तुमचं स्वागत करतोय। नवीर खेलना कही जाते थे, गेंद गई कही और, लेकिन एक रन। ओह सही सोच, वापर हल्के से गली पर मोड़ा, अनुभवी खिलाड़ी है सामने से किरण वाइंगणकर नाम इस खिलाड़ी का, शरीर भरभक्कम है, ताकत जंगली ये नहीं कहूंगा, लेकिन शरीर भरभक्कम है, अनुभव, शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए भाई शिकार पर वो अपने आप जाएगा, उनको पता है कि घास नहीं खाता कभी, ये हवा में गेंद होगी तो कैच लपकेंगे। फील्डिंग अच्छा, पुलिस दल में कार्यरत है, हमें कुछ बोलना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा भाई, पुलिसों को कौन बोल सकता है इस वक्त। अगर आपको एक याद पल दिखा दूं, इस बार गन्ना चूस छन मैदान पर। जडेजा जी एक नंबर वन ऑलराउंडर है, उसी तरह इस पूरे अल्दोना में नवीर जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर के लिस्ट में शामिल, बेहतरीन प्रदर्शन गेंद के साथ और अब बल्ले के साथ, जब उनकी टीम को सख्त जरूरत उस समय नवीर बल्लेबाजी करते हुए। 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबरदस्त माहौल है मैदान पर भाई, पुलिस दल कार्यरत खिलाड़ी जो कि पॉइंट पर है, लेकिन हम सही वर्ल्ड का एक तेज गेंदबाज जो पुलिस दल में कार्यरत था शेन वॉन, उसके ऊपर किसी ने आक्षेप नहीं लिया भाई, पुलिस का जो काम है ना वो अलग रहता है, दबदबा रहता है भाई, वर्ल्ड का जबकि पेस तेज गेंदबाज उस पर आक्षेप नहीं किया गया, पुलिस दल में कार्यरत थी। नहीं नाटक के परिवर्तन आवश्यकता नहीं है, इस शॉट की आवश्यकता नहीं है, मैं कहूंगा भाई देखिए डॉट छक्का निकल चुका है, आपको ग्राउंड शॉट लगाना पड़ेगा, इक्का दुक्का बनाकर वापस खेल में आना पड़ेगा। गति परिवर्तन भाई, जिंदगी का नाम ही परिवर्तन है, और वो परिवर्तन करते हुए जिंदगी में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। फिर से डॉट गेंद। उस छक्के के बाद क्या बढ़िया वापसी वहां पर अशोक राठौड़ के द्वारा, और यही एक खासियत होती है खास खिलाड़ी की कि वो वापसी करे, और वो वापसी अपने आप को दिलाते हुए वहां पर अशोक राठौड़ जो कि बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। तजुर्बा इनके पास है काफी साल का अनुभव, अनुभव की पूंजी जब कमर पर, अरे गोवा और कर्नाटक में खेल चुके, पैर पर लगे, चलिए वहां से रन निकलेगा, सिंगल तो निकलेगा मेरा अंदाज नहीं, वहां पर रन निकलेगा, एक रन बनेगा एक रन के साथ लेग पैस के रूप में, टीम का स्कोर 25 पर। तीन और समाप्त हो चुके, 25 पर 25 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जो कि सब तो लेजर हो टेनिस हो हर खेल में पारंगत है खिलाड़ी। गोवा दल में कार्यरत है, गोवा राज्य में बहुत बार खेल चुके, कर्नाटक हो सिंधुदुर्ग हो हर जगह पर खेल चुके, लेकिन आज और एक खिलाड़ी पूनाजी कलंगुटकर उनके साथ भी खेल चुके, मतलब बहुत कुछ है इनके पास। 3 और 25 लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन। रन नंबर 1
end of the third, 25 runs on the board, loss of one. This will be very interesting. This Prasad. हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो कि राज बांदोडकर की खासी बातें सभी को पता है, ये इनका आवाज निकाल सकते हैं, ये कौन सी भाषा बोल सकते हैं और कितना तजुर्बा इनके पास है। So Prasad, the ball has been given to the Prasad hand. We had a terrific tournament with the ball. This Prasad, he's making his delivery solid over here in this tournament. Boy, here we are. Navin, the man on strike, and up his delivery. The fielder is coming underneath. That has been taken. This is what he has been given the time and again breakthrough for the Virat Chanakya in this competition. Terrific delivery. Look like he's been up his delivery straight into the fielder's hand. So Sri Ganesh, they lost their second wicket. देखिए राज गेंद थी ऑन साइड पर मारने वाली, आपने कवर पर मारा, हवा में रखा, कवर पीछे है प्रोटेक्शन, हर आपको कैलकुलेशन और शायद देखिए कवर पर मारने की नहीं आवश्यकता, जिनको अगर मारते मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर ना तो छक्का था ये, और ना भी मारते सिंगल निकल तो भी, क्योंकि गेंद कवर पर नहीं मार जा सकती, आसान नहीं बात है ये। इफ श्री गणेश हैव टू विन दिस मैच, दिस साहिश विल बी द की मैन, ही हैव टू प्ले हिज इनिंग ऑफ दिस फाइनल। Now the fine entertainer, left-handed batsman Sahish is walking the crease there. Sahish Paini bhi Raj police dal mein karyagrat hai. Bhai zara shabdon ke saath khilwaad nahi kar sakte kyunki ye police dal mein karyagrat rehte hain hamesha. Sahish, they lost their second wicket. 25 runs on the board, loss of two. Sahish have to play till the end if they want to win this match. These two players will be the key batsmen for the Sri Ganesh. राज दोनों खिलाड़ी तगड़े हैं, दोनों खिलाड़ी के अनुभव देखे, ये देखे गेंद को देखे, दो चार बार जमीन पर लगाते हैं साधु बाण की तरह। साहिश, वेट फॉर द एंपायर, से वे ऑफसाइड, ऑफसाइड हैज बीन गिवन वाइड देयर बाय एंपायर। व्हाट डू यू थिंक कृष्णा देव जी, दिस मैच हैज बीन नाइस बैलेंस, इजंट इट? 25 for 2, साहिश इज इन द क्रीज, नॉन स्ट्राइकर एंड देवेश 26 पर पहुंचा टीम का इस वाइट के साथ, मतलब मैच कहीं ना कहीं मैं कहूंगा दोनों टीमों के पक्ष में है अभी तक, अभी तक ये नहीं कहूंगा कि किस के पास ये मैच जा सकता है मैदान पर। शॉट टर्म पुल किया, पुल सक्सेसफुल, 6 रन के लिए मैदान पर, AK-47 का शॉट है, बुलेट की तरह फिर फिर निकले गेंद। डोंट बॉल एनी शॉट डिलीवरी टू दिस डेंजरस साइज, ही विल सेंड यू इनटू द फेंस। राज फील्डर वहां पर था लेकिन फील्डर ने सिर्फ काम किया दर्शक बनकर गेंद लाने का। मैं आज कहूंगा 32 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, मतलब मुकाबला अभी भी कड़क है मैदान में। भाई कांच के साथ अगर खेलना चाहोगे ना तो खून निकलेगा, शेर के साथ खेलना चाहोगे तो खून तो निकलेगा भाई, ये कुछ इस तरह से मुकाबला है। Oh, swing and a miss there. Good comeback by Prasad after hitting the six and the dot delivery. Great cricket all around here in this APL season 4 here in Kitla. Sahish, the man on strike, and you know, Hindi commentator Mr. Krishna Devji has been entertained this whole Kitla last 3 days. Oh, swing and a miss. Wait for the umpire signal. Leg by signal. 33 पर पहुंचा है, 33 रन पहुंच चुके हैं, मतलब जो उनका टोटल था ना 33 वही टोटल इनका भी है, मतलब रन रेट अभी भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आल बेल सब कुछ है, लेकिन फर्क इतना है कि आज वो चेस करने पड़ेंगे
और सामने से गेंद को बल्लेबाजों को रोकना पड़ेगा. Yes, you can see the interesting field has been set by the captain. You can see long on, long off, deep square leg, point, gully, fine leg. And Devesh, the man on strike, keep standing up. जबरदस्त मैच है ये. बिल्कुल दिन में तारे दिख जाए ना, ये मैच है ये मुकाबला. देखिए लॉन्ग ऑन को अंदर बोला गया, पॉइंट पीछे रखा. I think they are trying to put some pressure on the right side. Try and stop those single, isn't it, Krishna Devji? बहुत कुशल मुकाबला राज. भाई टक्कर तो होगी कांटे की इस मैदान पर. भाई शेर लड़ेंगे तो खून बहेगा, खून बहेगा तो भाई पता चलेगा कि किसमें कितना है दमखम मैदान पर. और ये मुकाबला ये शॉट कैन कवर बाउंड्री के बाहर, ये 114 शॉट था मैदान में 6 रन के लिए. पर पहुंचा राज टीम का स्कोर. मतलब भाई ज्यादा जोखिम नहीं उठानी पड़ेगी आपको, सिर्फ टाइमिंग देखे. ये टाइमिंग का ही तो खेल है मैदान में. यस इट वाज अ रियली गुड टाइमिंग फ्रॉम देवेश. गुड डिलीवरी, डॉट डिलीवरी. 4 ओवर समाप्त, 39 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर. 39 runs on the board. Another 3 overs remaining. 18 deliveries. अंदाज यह है कि 18 गेंदों में शायद 28 रन क्या हो सकता है मैदान पर. अब एक बार फिर से चेक कर सकते हैं. So this over will be the crucial over. If Rathod will take this wicket over here of Sahish, so there will be a pressure situation for the Sri Ganesh. They have to take the wicket over here if they want to come back in this match, isn't it? 18 deliveries, 28 runs on the board. In the situation like this, Krishna Deji, you need to try and put some pressure on the batting side. प्रेशर पहले पुलिस दोनों पर, पुलिस हम पर है भाई. दोनों भी पुलिस दल में कार्य कर रहे हैं. एक गए साईश पाणी और एक गए जो कि इस वक्त अशोक राठौड़. लेकिन अशोक राठौड़ राहुली राठौर है, साईश पाणी एक फिनिशर है मैदान पर. बहुत से मैचों को इन्होंने अकेले 52 खेंड लड़ाई मैदान में. और अशोक लीडिंग विकेट टेकर है भाई. मुकाबला कड़ा गया आमने सामने. Magnificent delivery there by Rathod. This is a nice contest between these two. The champion is bowling to the one of the terrific entertainer. And don't forget, this Rathod is having a fabulous time with his bowl and with the bat in this competition. Raj, har over mein aapko sip 9 run banane jo ki aap har over mein bana rahe hai maidan par. Bhai wahi to kaam karna hai aapko. Kuch zyada nahi karna maidan mein. Ek hi gen kharab mile uso maar diye. ये सही क्रिकेट है. देखिए सही क्रिकेट. द कैप्टन सिंगल रन हैज बीन टेकन. स्कोर मूव्स टू 40 विद दैट सिंगल. दे नीड अ विकेट ओवर हियर विराट चाणक्य. इफ दे विल गेट अ क्विक विकेट ओवर हियर दे विल बी राइट बैक इन दिस मैच. अशोक राठौड़ का स्पेल भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा इस ओवर के बाद. मतलब बाकी आने वाले दो गेंदबाजों पर भाई किस तरह से आप बैटिंग कर सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा. लेकिन सबसे अहम बात है कि अशोक राठौड़ विकेट टेकर गेंदबाज है, तो उनको विकेट नहीं देनी है. और अशोक राठौड़ को किसी भी सूरत में एक विकेट चाहिए मैदान पर. दिस इज द ओवर. कृष्णा देव जी विल टेल द स्टोरी ऑफ दिस मैच. बिल्कुल सही. Oh, delivery once again. Somebody. Kept low there. You can see there's not of so much delivery has been kept low in this tournament, isn't it? Today we are on the final day. We have seen on the first day over here in this APL season 4, second day yesterday, and yet again in this final. Raj, Hindi mein kahu to se submarine delivery kaha jata hai. बिल्कुल ground पर पिच के लगभग करीब से एकदम नीचे से गुजरती है. जो पानबुड़ी होते हैं पानबुड़ी ना, वो उस अंदाज में नीचे से जाती है. सम्मान डीलर थी. एंड डोंट फॉरगेट इट हैज बीन अ वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट इजंट इट. थंडरिंग लाइटनिंग हियर इन किटला. सही क्रिकेट, सही क्रिकेट. मैं कहूंगा रन था वहां पर, रन था मैदान में.
देखिए इतना रन था मैदान पर. I think the sensible cricket from Sahi. He saw he don't want to take the risk. Wickets in the hand will make a lot different, isn't it? बात सही है. जबकि विकेट हाथ में बचते ना तो भाई किसी पर भी आप हल्ला बोल सकते हैं. Don't forget, Kiran is having a very strong throw down there. You can see he's patrolling that point area. एक बेहतरीन माहौल मैदान पर. ओ पांच गेंदों में शायद एक ही रन बना मैदान में. क्रूशियल मैच. मैं यही कह रहा हूं भाई, सिंगल निकालिए, इक्का दुक्का बनते जाइए, मैच बिल्कुल आसान हो जाएगा. और देखिए यहाँ पर जो कप्तान अनिल है ना, अनिल के चेहरे पर वो कुछ मुस्कान बया करे. अनिल भाई क्रिकेट खेल रही है अनिश्चित का, 13 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ और जीत से विजय 27-2 मैदान पर. बॉय ओ डॉट डिलीवरी. एक बार तालियां बजाइए, राज तालियां होनी चाहिए इस ओवर के लिए. सिर्फ एक रन का ओवर मैदान पर. भाई बाजी पलट गई राज एक बल में. राज अब आप कहिए, अब मुकाबला किस ओर झुक रहा है? यू स्टिल कांट टेल द स्टोरी ऑफ दिस मैच इज इट बिकॉज द डेंजरस एंटरटेनर स्टिल देयर ऑन द क्रीज साहिश एंड नॉन स्ट्राइकर एंड देवेश इज ऑलरेडी हिटिंग वेल इन द सीरीज इज इट सो यू कांट टेल अंटिल दैट अनलेस दैट साहिश कैन बी द डेंजरस इफ ही स्टेज स्टिल द एंड. 123 रन और 8 विकेट प्रतियोगिता में सबसे सर्वाधिक बेहतरीन काम अशोक राठौड़ का. लेकिन मेहरबा मुकाबला समाप्त नहीं हुआ. तालियां जो कि बनाने बजानी पड़ेगी विकेट. एक क्रूशियल बॉलिंग मैदान पर, बैटिंग मैदान पर. I'll tell you one thing, Krishnadev ji, because Saish is been in this situation so many time in this pressure situation and he knows this game so well. And if you bowl anything short delivery, that's for sure, we will send you into the fence for six. Raj, एक बार हम फिर से बताएं. दर्शक देखिए भाई, दर्शक उठकर खड़े हो गए. इसका मतलब है कि भाई अब छक्कों की बौछार होने वाली. Yes, it's a Sunday. It's a full house today in Kitla. They're enjoying this final over here in Kitla. You can see everybody is enjoying. काफी दर्शक. I request, please, the spectators, please stand behind the line. Don't stand on the line, sir. Please, thank you, corporate. Thank you very much. At least stand behind 1 meter behind the boundary line, sir. Thank you very much. Side screen. Sabasa mahal hai, Raj sabasa mahal hai. साइश पाइनी ऑन स्ट्राइक फिनिशर का, पूरे प्रतियोगिता में फिनिशर का जिसने रोल अहम अदा किया, उसी खिलाड़ी को आज वही रोल दिया जा रहा है मैदान पर. 12 गेंदे 27 रन मैदान पर जिससे पीछे. एंड यू कैन सी दैट बोथ ड्रेसिंग रूम द कोच इज अबाइडिंग द नेल्स. इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर द बोथ साइड एंड बॉय हियर वी गो. ओ स्विंग एंड अ मिस. गुड डिलीवरी देयर बाय कैप्टन टू कैप्टन. तो कप्तान अंतिम राज 3-9 गेंदों पर मात्र 2 रन निकले, मतलब बॉलरों ने काम कर दिया. देवेश पोली लगातार 5 गेंदे डॉट खेल चुके, लगातार 5. नौ गेंदे 26 रन मैदान पर. एक शॉट चाहिए मैदान पर तब बात बनेगी. 24 9 वाला. ओ सटीक यॉर्कर खोद के निकाला. अब मुझे लग रहा है कि मामला बिल्कुल कड़क गई है. 8 गेंदों पे चाहिए 25 रन मैदान पर. देखिए विकेट कीपर की जर्सी नंबर है 8, अशोक राठौड़ की जर्सी नंबर है 25, साइश पाइनी की बीच के जो कि 4. भाई सबका तालमेल है मैदान में, लेकिन भाई साइश पाइनी आपके घर से लोग इस मैच का लुफ्त उठा रहे, आनंद उठा रहे. आज भाई शेर लड़ेगा ना तभी तो दिखेगा. आने वाले गेंदबाज पर तो भाई बहुत प्रेशर है. फाइनल का मुकाबला जो है ना वो हमेशा प्रेशर का ही रहता है मैदान पर. बॉय ही वी गॉट. ओह लेग स्टंप, वेट फॉर द अंपायर सिग्नल. दैट्स गुड, देयर वी गो. दैट्स वाइड, वे आउटसाइड द लेग स्टंप. एनीथिंग आउटसाइड द लेग स्टंप विल बी कॉल्ड वाइड देयर. अनदर एक्स्ट्रा रन विल ऐड टू दैट टोटल. सो वेट, डिलीवरी इज रिमेनिंग 24 रन्स टू विन दिस मैच. राज अनिल पर दबाव आ चुका है. अनिल को पता है कि शेर भूखा है और उसके ऊपर खूंखार है. भाई शेर छोड़ेगा नहीं शिकार करना. या तो आर निर्णय या तो पार निर्णय मैदान पर. इट्स अ प्रेशर सिचुएशन इज़न्ट इट.
You have to hold your nerves in this pressure situation. Oh, wonderful piece of bowling. This is the high quality bowling from the champion Anil. Absolutely class piece of bowling there. He's bowling in the good line area there. He's not allowing two batsmen to free their arms over here in this final. Absolutely class piece of bowling by Anil there. देखिए ये होगा मैदान पर, क्योंकि इतना समय क्रूशियल है, मैच क्रूशियल है भाई। पानी तो आप पिला सकते हैं, लेकिन भूखा शेर है, शेर पानी नहीं पिएगा भाई। जब तक ये मूछों पर ताव ना लगा दे ना, ये पानी पिएगा नहीं। या तो ये कहेगा या तो साथ घर जाएंगे, या तो ट्रॉफी के साथ घर जाएंगे। Yes, sir. back live over here in Sahish. बढ़िया क्रिकेट, सेंसेशनल क्रिकेट। ओ टाइमिंग है, गेंद पॉइंट बाउंड्री पर है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। नहीं चाहिए रन, एक ही रन चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये सवाल साई से मत पूछे। देखिए अब जो भी हो जाए ना, जो भी हो जाए, आर या पारण है, जो होगा ना साई की आंखों के सामने होगा, उनके घर के चाहने वालों के सामने होगा। या तो शेर अपने पीठ पर झंडा लगा के घर पे जाएगा, या हार का कफन पहनकर वापस निकलेगा। ये सवाल मैदान में। 23 runs to win this match in 6 delivery. अंतिम 12 गेंदों पर सिर्फ मुझे लग रहा है कि सिर्फ 6 रन निकले। I think this over was a crucial over, and the over what Rathore has been bowled, isn't it? It was a class bowler, he bowled in precious division, and Anil Guaswamy. He bowled in a good length area and didn't allow the batsmen to free their arms. And now 6 deliveries remaining, 23 runs to win this match. वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज मैदान पर। कार्लोस ब्रैथवेट का वो रिकॉर्ड 4 गेंदों पर 4 छक्के भाई, वो रिकॉर्ड कोई भूल नहीं पाया, ना भूलेगा। सो फर्स्ट डिलीवरी विल बी वेरी क्रूशियल डिलीवरी। इफ दिस गोज इनटू द फैंस, आई विल टेल यू द होप्स ऑफ द श्री गणेश विल बी अलाइव इन दिस कॉम्पिटिशन। 23 runs on the board. Saish Paini, 4 big hits they required to win this match. दोनों पर प्रेशर है, दोनों पर प्रेशर। अशोक राठौर, देखिए अशोक राठौर बात करें भाई, देखिए आप विद्यार्थी हो, आपको कोच क्या कहेगा बहुत सिखाएगा, लेकिन भाई परीक्षा किसी देनी पड़ी है भाई, उसी को पैसे देनी है। कोच परीक्षा नहीं दे सकता आपको। अशोक राठौर भले कुछ कहे, आपको ही बॉलिंग डालनी पड़ेगी मैदान में। माहौल जबरदस्त है, माहौल जबरदस्त है, कड़क माहौल। शाम ढल रही, मेहरबा आते आते इंतजार के पल समाप्त हो रहे। अंतिम खेल बचा हुआ 6 गेंदों का, जिससे पीछे 23 रन चाहो सकता इस वक्त सुनील मोर्चे पर गेंदबाजी के। भाई तेरा कमाल साईश पाई, तू खुद जाने, हमें तो तेरा खेल कमाल लगता है। 23 रन इन 6 डिलीवरीज। प्रेशर है, प्रेशर है भाई, प्रेशर कुकर पर कौन बैठेगा, किसकी मजा लगे। जो बैठेगा ना वो आज के इनका शेर रहेगा। विकेट जो कि डोंट फॉरगेट कृष्णा देव जी, ही बीन इन द सिचुएशन, ही इज डन इन द, ही इज हैविंग दोस कैपेसिटी टू हिट। वी हैव सीन इन दैट एपीएल सीजन 1 इन द नेशनल, दिस चैंपियन साहिश, ऑल आईज ऑन दिस चैंपियन साहिश, एंड बॉय हियर वी हैव रन के लिए गेंद गई है सीधी ससुराल। 6 रन। व्हाट आई सेड टू यू। पीछे मेहरबा, हमने पहले कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज संडे है, शाम का माहौल है, रंगीन मुकाबला है, दिल थाम के बैठे चाहने वाले, ये मुकाबला एकदम कड़क है। ये भाई मुझे लगा कि गेंद साई पाइनी के सीधे ससुराल गई है, छक्का ये। yes. ससुराल से कुछ बेगाम आया है कि आज भाई कुछ करके कमाल दिखाओ। दिस इज नॉट जस्ट फाइनल, बट आई विल टेल यू वन थिंग कृष्णा देव जी, everybody is enjoying your Hindi commentary over here. Look at the smile around on the spectators.
Have a look at this Prashant Naik. He's having a big smile on his face, standing along with the Deva Akash. And you can see the Sarpanch. And also our MLA, the Minister of this Porurim, Tourism Minister, IT. And also our Aldona MLA, Mr. Carlos Ferreira. Pressure, bike ride. Pressure, Maidan. बहुत बड़ा प्रेशर इस वक्त इस मैदान पर. चलिए गेंद को लेके आए, जाकर गेंद जा चुकी है वही धुड़ुम धुड़ुम करते हुए. आउटस्टैंडिंग एंटरटेनर दिस साइज. देखिए अनस्टॉपेबल दिस चैंपियन. बिल्कुल बढ़िया. It's not easy, Krishna Deo Ji, to bat on 23 required in the six deliveries. Two back-to-back sixes. This is a marvelous start from the side, isn't it? Four games, shayad 11 run maidan par. Raj, humne pehle Ashok Rathod kuch bhi kahe. Paper likhna hai na, wo vidyarthi ko likhna hai. Bhai, aap kisi ko kuch bhi padh sakte. Aur coach, sirf four games aur 11 run maidan par. Magnificent cricket all round. Zabardast shot. Agar ek shot banta hai na maidan par, तो राज हमें कुछ शब्द कहने पड़ेंगे. चार गेंदे 11 रन मैदान पर, जिससे पीछे फोर डिलीवरीज रिमेनिंग 11 रन टू विन दिस मैच. एंड यू कैन सी तीसरी गेंद है ये. मैं कहूंगा सुनील प्रेशर में है ये. इज नर्वस. इस तरह का ये प्रेशर है मैदान पर. इज एब्सोल्युटली नर्वस. टू बैक सिक्सेस इन दिस फाइनल. It's a nail-biting situation, boy. Sahij, meherba dil tham lijiye. Khel abhi tak samapt nahi hua maidan par. Yes, easy. This outfield from Kitla has been lightning quick. No need to run for that. This outfield from Kitla has been lightning quick. Kitla boy, what a match! What a player! Absolutely classes it. He's entertaining 1,500 spectators here in Kitla, the champion size. Absolutely class player. Unstoppable entertainer. तीन गेंदे 7 रन मैदान पर. भाई दिल का मरीज आसपास कोई बैठा है ना, तो आइए हमारे पास बैठे भाई. पानी एकदम से ठंडा मिलेगा आपको. दिल थाम के बैठिए भाई. मेहरबान, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. साईश पाणी अभी भी मैदान पर तैनात है, मतलब मुकाबला अभी भी जीवित मैदान पर. एंड ही इज प्लेइंग हिज इनिंग ऑफ हिज लाइफ ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ दिस स्पेक्टेटर्स. एब्सोल्युटली क्लास, मैग्निफिसेंट एंटरटेनिंग इनिंग. एंड डोंट फॉरगेट, his family is watching him over here today in this final. Mom and his wife. Raja gain mistime hui thi, wicket ke piche catch tha, lagbhag catch le pate to bhai muqabla tha. Lekin jis khiladi ka jis din ho na, jis roz ho bhai, meherba wo din uske liye kamal hota hai. And you play in this big final as a captain leading from the front and take those responsibility on your shoulder. And when you give a Raj point piche rakha hai, cover long off piche rakha hai, ab gain kaha karenge off stump ke bahar. And boy, here we have. Oh, didn't connect well there. Dot delivery over here. There. Goodness. एक गेंद डॉट निकले, एक गेंद डॉट निकले. डॉट गेंद ही प्रेशर बनाएगी, लेकिन दो गेंदे साधारण है. मैं कहूंगा अगर कुछ भी हो जाए भाई, आर पार हो जाए, दुनिया एक इधर हो जाए, साईश पाणी को ही पूरी गेंदे खेलनी मैदान पर. दो गेंदे साधारण. If this match will be tied, it'll be a super over. Oh goodness, my strike has been changed. शायद मुझे लग रहा है कि एक रन मिला, क्रॉस भी हो गए होंगे मेरे अंदर से. इज आउट. अंतिम एक गेंद बची है, मात्र 6 रन की आवश्यकता. राज अंतिम गेंद है, 6 रन जिससे पीछे. राज उठना पड़ा इसलिए क्योंकि उनकी जो कि बीबी भी यहां पर मैच देख रहे हैं. अगर आज छक्का मारते ना तो साईश पाणी बल्ला कवर बाउंड पर, जहां पर आपके घर वाले देख रहे हैं मैच को. इट्स अ नेल बाइटिंग सिचुएशन ओवर हियर इन दिस फाइनल. वन डिलीवरी रिमेनिंग, 6 रन टू विन दिस मैच. भाई चलिए भाई, आज मैं तो कहूंगा भाई साईश के घर वाले आ चुके. अगर साईश के घर वाले आ चुके, इसका मतलब है घर पर जाकर भाई बहुत सवाल पूछने पड़ेंगे. आखिरी गेंद 6 रन. राज, थैंक यू कृष्णा देवी. दिस इज रियली अ फाइनल मैच. व्हाट आर यू वाचिंग?
It went till the last delivery. One delivery remaining, 6 runs to win this match. He will be the favorite over here in this final, Sahij. One ball, 6 runs to win this match. Kitla on his feet, and so is the commentary box. Here we go. Oh, goodness. So they won this match. This with Achanakya, after playing such a wonderful inning. Couldn't finish things in Italia. अब बोलना पड़ा, आखिरी गेंद पर जो छक्का खाया था वो अब नहीं बना पाए मैदान में, लेकिन वेल डन, एक बार तालियां बजाई भाई। हार कर भी जो जीत जाए ना उसे बाजी करके दे, साइज पाई नहीं कहते उसे। And you can see the party begins in the Virat Chanakya dressing room there. And they won this 2022 APL season 4 over here.